वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों आज हम कक्षा आठवीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन का यह सेशन नंबर चौथा है। इसके पहले सेशन में हमने पत्र लेखन के जो तो प्रकार देखे थे उसमें अलग अलग पत्रों के जो टॉपिक होते हैं विषय होते हैं उसको हमने पढ़ा। पत्र के जो प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र के प्रकार को हमने पढ़ा। आगे भी हम पत्र के विषयों के अनुसार पत्र का एक प्रारूप देखेंगे इस भाग में। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे, जिसे हम अपने सगे संबंधी को, जिसे हम जानते हैं ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो उन्हें लिखने वाले जो पत्र होते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहेंगे। और औपचारिक पत्र किसे कहेंगे, जिसे हम जानते नहीं है और हमें किसी शिकायत या प्रार्थना करते समय जो बड़े बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को पत्र लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है औपचारिक पत्र। इसके पहले भागों में भी हमने देखा था कि पत्र का जो विषय होता है या प्रकार जो होता है, वह जिसे पत्र लिखा जाता है उसके साथ हमारा संबंध क्या है उसके अनुसार तय नहीं होता, बल्कि हमारा पत्र, हम लिखने वाले को कौन से विषय पर पत्र लिख रहे हैं उसके अनुरूप पत्र का प्रकार तय होता है। अब तक हमने पत्र के, औपचारिक पत्र के बहुत सारे प्रकार देखे, जैसे प्रार्थना पत्र अर्थात आवेदन पत्र, फिर शिकायत पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र। उसमें से हमने प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र और शिकायत पत्र को इस प्रकार से लिखा जाता है, यह हमने देखा। अब हम देखेंगे व्यावसायिक पत्र या कार्यालयीन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसका एक प्रारूप हम देखेंगे। आपको प्रश्न पूछा है, ओंकार अनिता आपटे, 27 लता कुंज, सदाशिव पेठ, पुणे से व्यवस्थापक, नवयुवक स्पोर्ट्स को खेल की सामग्री मंगाते हुए या मंगाते हुए पत्र लिखता है, लिखते हैं। इस प्रश्न में हमें तीन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक प्रति का पता, नाम और पता, फिर प्रेक्षक का नाम और पता, और पत्र का विषय क्या है। तो हमारे पत्र का विषय क्या है कि खेल की सामग्री मंगाते हुए हमें पत्र लिखना है, यह हमारा पत्र का विषय होगा। अब हम पत्र का विषय ज्यादा लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, संक्षिप्त में होगा। और फिर प्रेक्षक का पता कि जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम और पता हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ओंकार या अनिता आपटे। अगर बॉयज होगा तो वह ओंकार आपटे इस नाम से लिखेगा और लड़की होगी तो अनिता आपटे इस नाम से लिखेंगे। इसीलिए तो देखो आगे भी लिखता है, लिखती है, ऐसे आपको विकल्प दिए गए हैं। आपका एड्रेस होगा 27 लता कुंज, सदाशिव पेट, पुणे। और किसको लिखना है आपको, प्रति में किसका पता आएगा, व्यवस्थापक नवयुवक स्पोर्ट्स। आगे आप देखो यहाँ पर पुणे लिखा है तो आप कौन से शहर को में लिखने वाले हैं, पुणे, या फिर दूसरे शहर का नाम भी आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो स्पोर्ट्स की सामग्रियां या फिर पुस्तकों के जो लिस्ट होते हैं, पुस्तकें मंगवाने होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो आप अन्य देशों से भी, अन्य शहरों से भी मंगवाते हैं, इसलिए आप उसमें अन्य शहर का नाम भी डाल सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने पूरे पत्र का प्रारूप दिया हुआ है कि जब आपका पत्र पूरा लिखकर खत्म होगा तो वह किस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आप प्रेक्षक का नाम, एड्रेस, दिनांक लिखेंगे, फिर प्रति जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, फिर हमारा विषय होगा, फिर आपको पत्र का प्रारूप में आपको जो जो सामान मंगवानी उसकी लिस्ट बनानी होगी, और फिर पत्र का समाप्तिकरण करते हुए आपका नाम और हस्ताक्षर आप परिचय देंगे और आपका हस्ताक्षर लिखेंगे। अब पत्रों को हम विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं। पत्र का जो प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक का अर्थ किसे कहेंगे हम, जो पत्र लिखता है, तो सबसे ऊपर हम प्रेक्षक का नाम और पता लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरा नाम और एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको प्रश्न में, एग्जाम के समय अगर प्रश्न पत्रिका में, क्वेश्चन पेपर में आपको नाम और पता नहीं दिया होता है तो उस समय आप क्या करेंगे, एक तो अ ब क, जैसे इंग्लिश पत्र लेटर राइटिंग में हम एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो इस प्रकार से अ ब क और अपना पता
लिख सकते हो, या फिर आपको अगर जैसे कहा गया है आपके टीचर ने जैसे बोला है कि आपको आपका नाम लिखना है, तो आपका नाम और संक्षिप्त में एड्रेस आप लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आपको कॉमा देना है, लड़के होंगे तो ओंकार आपटे से लिखेंगे या लड़कियां होंगी तो अनिता आपटे नाम से पत्र लिखेंगे और कॉमा देंगे। उसके बाद 27 लता कुंज सदाशिव पेट कॉमा पुणे, उसके बाद आपको पिन कोड नंबर लिखना है, पिन कोड नंबर के बाद पूर्ण विराम आएगा, फिर आप नीचे लिखेंगे तिथि या दिनांक। दिनांक लिखते समय आप क्या करेंगे, अंक जो होंगे वह दिनांक की जो डेट होगी आप अंक में ही लिखेंगे, अक्षर में नहीं। उसके बाद महीने का नाम आप स्पेलिंग सी के साथ लिखेंगे, दिसंबर हिंदी में लिखेंगे क्योंकि आपका जो विषय है वो हिंदी है, इसलिए आप उसमें दिसंबर शब्द की स्पेलिंग आप अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे। महीने मंथ का नाम लिखने के बाद आप वहां पर कॉमा देंगे, फिर ईयर का लिखेंगे 2018। अब देखिए जब आप नाम पता और एड्रेस लिखेंगे तो लिखने में समय यहाँ पर एक पंक्ति में ही वह आने चाहिए, यहाँ पर आप थोड़ा कम ज्यादा स्पेस रहेगा तो चलेगा लेकिन लिखते समय एक पंक्ति में ही आना चाहिए क्योंकि दिखने में अच्छा दिखता है और उसके लिए मार्क्स भी होते हैं। फिर आपका जहां पर प्रेक्षक का नाम पता और दिनांक खत्म होती है बिल्कुल उसके नीचे वाली पंक्ति से अपोजिट में आप पत्र के शुरुआत करते समय प्रतीक पता लिखेंगे, प्रति उसके बाद कॉमा, फिर जिसको पत्र लिख रहे उसके पद का संबोधन करना है आपको, व्यवस्थापक को आप पत्र लिख रहे व्यवस्थापक लिखेंगे कॉमा, फिर उसका एड्रेस नव विवेक स्पोर्ट्स कोल्हापुर और फिर पिन कोड नंबर लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि देखो यहाँ पर शहरों के नाम अलग है, अब शहरों के नाम क्यों अलग है, क्योंकि हमारे विषय के अनुसार हमारा विषय जब हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हुए पत्र लिखते हैं तो उस समय वह हम दूसरे शहरों से वस्तुएं मंगवाते हैं, इसलिए हम उसमें एड्रेस लिखते समय शहरों के नाम हम बदला परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल में पत्र लिख रहे हैं, विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं, तो वह विद्यालय हमारे ही एरिया में होते हैं या फिर एक ही शहर में होते हैं, इसलिए उस समय हमारे दोनों एड्रेस में शहरों का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो उसमें आप लिखेंगे आप रहते कहीं और है और स्कूल का पत्र लिखते समय आपने शहर का दूसरा नाम लिख लिया तो उसे आपका वह एड्रेस गलत हो सकता है। उसके बाद जहां पर आपका प्रति का पूरा पता खत्म हो जाता है उसके नीचे वाले पंक्ति में आप लिखेंगे विषय, विषय को आप लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, संक्षिप्त में लिखेंगे, हमारा विषय है खेल की सामग्री मंगाना। अब देखिए विषय को ज्यादा लंबा चौड़ा क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि पढ़ने वाला विषय जब पढ़ेगा उसमें ही सब अगर बातें आपने इंक्लूड कर देंगी तो आगे पत्र वो पढ़ पाएगा नहीं, क्योंकि जो बातें उसे आप कहने वाले उस विषय में ही लिख दे, इसलिए विषय को हमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं संक्षिप्त में लिखना चाहिए। विषय खत्म होने के बाद हम पत्र की शुरुआत करेंगे संबोधन के साथ, संबोधन होगा हमारा महोदय, महोदय जी भी लिख सकते हैं आप, महोदय के बाद कॉमा आएगा। संबोधन के बाद आप अभिवादन लिखेंगे नहीं, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखे जाते इसलिए यहाँ पर अभिवादन नहीं लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र में संबोधन और अभिवादन लिखे जाते हैं। पत्र की शुरुआत करेंगे आप, महोदय आपका सूची पत्र प्राप्त हुआ, आभार, मुझे अपने मोहल्ले की क्रिकेट की टीम के लिए निम्नलिखित खेल सामग्री की आवश्यकता है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर कौन से खेल की सामग्री चाहिए, आप यहाँ पर आपने इंक्लूड किया है क्रिकेट टीम या फिर दूसरे खेलों के नाम भी आप लिख सकते हैं, तो जिसके अनुसार आप खेलों के नाम लिखेंगे उसके अनुसार आप खेलों की सामग्रियां मंगवाएंगे। मुझे अपने मोहल्ले की क्रिकेट टीम के लिए निम्नलिखित खेल सामग्री की आवश्यकता है, यह पत्र प्राप्त होते ही निम्नलिखित खेल सामग्री उपयुक्त पते पर VPP द्वारा भेजने की कृपा करें, यथोचित कमीशन अवश्य दे। अब देखिए यहाँ पर जो पत्र लिखा गया है वह एक मोहल्ले के नागरिक के अनुसार आपने ये पत्र लिखा है, लेकिन कभी कभी आप एक विद्यार्थी के रूप में भी ये पत्र लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल में भी आप लोग स्पोर्ट्स रखते हो ना, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे सामान रखते चाहिए होते, तो ऐसे समय आप वहां पर वो भी बातें उसमें लिख सकते हैं कि आप इसी स्कूल के विद्यार्थी हो और आपके स्कूल में आपके स्कूल के जो खेल के स्पोर्ट्स के क्लब है उसमें खेल की सामग्री बहुत कम पड़ रही है या
पुराने हो गए, इसलिए आपको फिर से नए स्कूल खेल की सामग्री या स्पोर्ट्स के सामग्री मंगवानी है। तो एक विद्यार्थी के रूप में भी आप यह पत्र लिख सकते हो। जब आप विद्यार्थी के रूप में पत्र लिखेंगे तो उसका प्रारूप थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ आपको अंत में आपके विद्यार्थी के रूप में आपका परिचय देना होगा, आपका पूरा नाम, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं, फिर आपका रोल नंबर, वो सब इंक्लूड करना होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर आपका पत्र जो है वह एक मोहल्ले, एक एरिया के टीम लीडर के अनुसार आप पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार आप पत्र के दो तरफ से भी पत्र को लिख सकते हो। आपके नियमों के अनुसार 250 रुपए की पेशगी का डिमांड ड्राफ्ट इस पत्र के साथ भेजा है। शेष रकम की वीपीपी द्वारा कर देंगे, जो यहाँ पहुंचते ही हम छुड़ा लेंगे। अब आपको जो पत्र में लिखना था, आप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो सामग्री आपको चाहिए, जो जो साहित्य आपको चाहिए या जो जो वस्तुएं आपको मंगवानी है, उनकी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाते समय आप उसे पेंसिल से अच्छे से बॉक्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे। जैसे कि इसके पहले कक्षाओं में भी देखो, हमने पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र भेजा था, तब उस समय भी हमने ऐसे लिस्ट बनवाई थी। या फिर औषधियों की मांग करते हुए भी आप पत्र को लिख सकते, तो आप औषधियों की भी लिस्ट बना सकते है। या फिर अन्य आप जो कुछ सामान मंगवाते हैं उसकी लिस्ट आपको इस प्रकार से पत्र के अंदर लिखने हैं। पत्र में आपको वह लिस्ट बनवानी। तो यहाँ पर आप खेल की सामग्री मंगवा ले, इसलिए आपने खेल की सामग्री की लिस्ट बनवाई है। सामग्री कौन कौन सी है उनकी संख्या आपने लिखी है। पहला है बैट, बैट की संख्या, बैट कितने चाहिए आपको, 3। फिर पैड 8 चाहिए, ग्लव्स 8। फिर गेंद, गेंद की संख्या कितनी, 6। गार्ड्स 4। फिर बेल्ट्स 4। तो इस प्रकार से आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कौन सी कितनी प्रमाण में चाहिए, यह आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद उसके नीचे वाली पंक्ति में आपका पत्र का समाप्तिकरण आप करेंगे। आशा है यह खेल सामग्री आप जल्द ही भेजने की कृपा करेंगे। और उसके बाद अंत में आप क्या करेंगे, आपका परिचय देकर हस्ताक्षर करेंगे। भवदीय, भवदीय के बाद आप आपका नाम लिखेंगे, ओंकार आपटे, या फिर अगर लड़की का होगा तो आप उसके अनुसार लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि यह एक एरिया के विभाग के टीम लीडर के अनुसार आपने यह पत्र लिखा है, लेकिन जब आप स्कूल के लिए खेल की सामग्री मंगवाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक दो बच्चों के नाम आप लिख सकते हैं, या खुद आपका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो वह लिखेंगे, फिर आपका डिविजन लिखेंगे और फिर रोल नंबर। तो ये सारी चीजें आप स्कूल के लिए अगर सामग्री मंगवाते हैं तो उसमें यह इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार पत्र यह हमने विस्तार से देख लिया। वो पत्र खत्म होने के बाद उसका पूरा प्रारूप हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको प्रेक्षक का नाम, पता, दिनांक, प्रति का नाम, पद के अनुसार उसका नाम, फिर पता, फिर विषय, फिर संबोधन, पत्र का विषय विस्तार, फिर लिस्ट और पत्र का समावीकरण, फिर परिचय और हस्ताक्षर। फिर आता है लिफाफा। लिफाफा में आप टिकट शब्द लिखेंगे, प्रति और प्रेक्षक का नाम पूरा एड्रेस के साथ आप लिखेंगे। आपको प्रति और प्रेक्षक का नाम किस ऊपर कौन सा पता होना चाहिए आपको पता है, हमेशा सबसे ऊपर प्रति का, जिसको हम पत्र भेजते हैं लिखते हैं उसका नाम, पता, पूरा एड्रेस सबसे ऊपर आएगा। और उसके अपोजिट में उसके जिसने पत्र भेजा है प्रेक्षक शब्द लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और उसका पूरा नाम पता आप लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने कार्यालयीन पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसको हमने विस्तार से पढ़ा। आगे भी हम पत्र लेखन के अलग अलग विषय को पढ़ेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले भाग में।